एक आदमी मंदिर में सेवक था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से उसकी गुजरसर चल रही थी। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। भगवान बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया और भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटा कर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया और बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ, आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने का बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य है, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मार कर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 10 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां पुलिस भी लेकर आया और नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है,
यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं,